हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे पता है आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, आप लोग परेशान हैं। सर, किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे फुल में फुल नंबर है? कई बार क्या होता है, प्रिपरेशन अच्छी होती है, सब कुछ आता है, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, सब सारी बुक्स भी सॉल्व कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिनकी वजह से हमारे आधे आधे नंबर कट जाते हैं और आधे आधे मिलकर वो दो तीन नंबर बन जाते हैं। और जो बच्चों को फुल नंबर चाहिए यार, उनके लिए तो एक एक नंबर मैटर करता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, और जो मैंने ऑब्जर्व करा, मैं कॉपी चेक करता हूँ, आपको पता है। तो कॉपी चेक करते टाइम मैं देखता हूँ बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों कर देते, ध्यान नहीं देते, तो उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे जिससे आप वो गलतियां ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम बात करें, पहला पॉइंट लिया सरफेस एरिया की क्वेश्चन में कॉमन लेकर करना है। क्या मतलब इसका? आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है और ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है, तो अगर आपको कर्व सरफेस एरिया यूज करना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² होता है और सिलेंडर का 2πrh होता है। तो 2πrh प्लस का 2πr² लिखा आपने, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे r और h पुट कर देते हैं और यहाँ पे r पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ऐसी गलती ना करें, पहले कॉमन लेना है आपको, यानी कि आपने 2πr कॉमन लिया तो ब्रैकेट पे आया h और यहाँ पे 2πr कॉमन लिया r। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी कि सरफेस एरिया का कोई क्वेश्चन आए या सरफेस एरिया वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान ये रखना है, जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेना कंपलसरी, तभी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। अलग अलग सॉल्व करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी एरर आ जाए, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आया पॉइंट समझ में ये वाला? चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा एक ट्रैकर बना रखा है, ठीक है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सारे चैप्टर्स मैंने बना दिए हैं। आपने देखा 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं एक महीने में, और जितना आपने प्यार दिया है, थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट, यानी कि आप लोग इस कंटेंट को बहुत लाइक कर रहे हो, सारा कंटेंट आप बहुत लाइक कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने एक ट्रैकर जो बनाया है, वो जरा देख लीजिए आप, टर्म टू का, इसमें सब कुछ है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे फिर बुक हो, चाहे फिर आपकी फॉर्मूला बुक ले, तो हर चीज है इसमें, टेस्ट सीरीज भी है, ट्रैकर जिसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक एपी सब कुछ लाइन से मिल जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है तो कहाँ से डेटा ढूंढें, सर किस चैनल से पढ़ाई करें, कुछ नहीं, आपको लाइन से सारी चीज सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। कैसे मिलेगा ये सीक्रेट फोल्डर? व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप बोल देना, कमेंट व्हाट्सएप कर देना मुझे, आई वॉन्ट सीक्रेट फोल्डर। तो बस थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि काफी बच्चे मैसेज करते हैं तो यार रिप्लाई जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो थोड़ा पेशेंस रखना, प्लीज जल्दबाजी मत करना, ठीक है। कई बार बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि रूट थ्री में आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आ गया 200√3, ये आंसर आ गया। अब होता क्या है, बुक में भी आंसर √3 में दे रखा है, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस में √3 में आंसर दे रखा है, कुछ में √3 की वैल्यू पुट कर रखी है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें पुट करना है कि नहीं करना है। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप √3 की वैल्यू हर स्टेप में पुट नहीं करना होता है, जो आपका फाइनल आंसर है, मान लो फाइनल आंसर आपका है 200 ब्रैकेट में √3 + 1 लास्ट आंसर है, तो आप यहां पे पुट कर देना √3 की वैल्यू 1.732 और सॉल्व कर देना, और अगर कहीं √2 आ जाए तो पुट कर देना 1.414। ये वैल्यूज आप यूज करके फाइनल आंसर लिखें, कटने का कोई चांस ही नहीं रहे, ऐसा ना हो कि यार √3 में लिख दिया आधा नंबर कट गया, इससे अच्छा पूरा पॉइंट में निकाल के दे दो, टीचर को यहां तक देखना तो ठीक है, यहां तक पॉइंट में देखना तो ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कटने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन में ऑल स्टेप लिखने, जैसे कि सर्कल चैप्टर है, प्रूविंग का कोई क्वेश्चन आ जाए या कोई थ्योरम आ जाए, तो ध्यान रखना है कि पहले गिवन लिखना है, ठीक है, फिर टू प्रूफ लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, और उसके बाद आपको प्रूफ स्टार्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का है और वो प्रूफ बेस्ड है किसी भी चैप्टर का है, तो आपको गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन अगर है तो लिखना है और फिर प्रूफ स्टार्ट करना है। इस स्टेप पे ध्यान देना, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा अगर आपने सिर्फ सॉल्यूशन लिख दिया उसका, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन डेटा को मेंशन कर देना। क्या मतलब इसका? आपने देखा, मान लो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई SN का फॉर्मूला लगाना है, फॉर एग्जाम्पल SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d। अब क्वेश्चन में तुम्हें a दे रखा है, मान लो n दे रखा है, d दे रखा है, तुमने पुट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो भी आपको ए डी सब दे रखा है, इस फॉर्मूले लगाने से पहले आप मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल ए 2 है तो 2 लिख देना, डी अगर 3 है तो 3 लिख देना, एन कुछ दे रखा है वो लिखना, और फिर फॉर्मूला लगाना। सेम स्टैट्स चैप्टर है,
आपको पता है मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले होते हैं, तो मोड में आपने देखा होगा मोड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मोड का एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, इससे पहले इसका डेटा लिख देना ऊपर, ठीक है, जिसमें आप बता देना एल कितना है, एफ वन कितना है, एफ जीरो कितना है, ये सारी चीजें आप पहले बता देना तो आपके लिए सही रहेगा, नंबर कटने के कोई चांस ही नहीं बचेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये सारी चीजें हाँ यार मुझे ध्यान रखनी है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, जिससे सबको बेनिफिट हो। और जो कंटेंट मैंने दिखाया आपको सीक्रेट फोल्डर, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है यार, मुझे पता है कि यार इसमें के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, हर चीज आपके लिए जो की जा रही है, बस ये हो पा रही है क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो, इसलिए दिन रात मेहनत करने का मन करता है कि चलो बच्चे सपोर्ट करते हैं तो मजा आता है काम करने में, ऐसा नहीं, मजा भी आता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो प्यार है उसको बनाए रखना, ठीक है, कभी गिला शिकवा मत रखना, ठीक है, मैसेज का रिप्लाई देर में आए, कुछ ऐसा हो, यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपस में मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो यार प्लीज मतलब कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है हम सबको, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम। आपको पता है कि एपी में कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम आएगी, तो आपको क्या करना है, मान लो एज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले लेट करना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो भी आपने एक्स माना, वाई माना, फादर भी एक्स, ये अगर आप लिख रहे हो, मतलब डॉटर या सन है, उसको लिख देना है, फिर आपको इक्वेशन बनानी है, फिर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, फिर आपका जब एक्स और वाई आ जाए, मान लो आपका एक्स आया 40 इयर्स, तो आपको लिखना है फादर्स एज, लास्ट में फादर्स एज इज इक्वल टू 40 इयर्स, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आपको अपना लास्ट में वर्ड फॉर्मेट में आंसर देना है, शुरुआत में जो लेट किया है और लास्ट में अपना आंसर भी वर्ड फॉर्मेट में देना है। इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इन सारी बातों को ध्यान में रखोगे, यानी कि सारे चैप्टर्स मैंने बता दिए। देखो, पहले क्वाड्रेटिक की बात करें तो जो वर्ड प्रॉब्लम है उनमें स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर लास्ट में आंसर लिखना है, एपी में जो डेटा है गिवन है वो लिखना है, ठीक है, सर्कल में प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में रूट थ्री रूट टू की वैल्यू पुट कर देना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको फॉर्मूला कोई लगाया, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन जरूर लेना है, और लास्ट 7 चैप्टर स्टेट्स में आपको क्या करना है, अगर मॉड या मीडियन कुछ भी लगा रहे हो उसमें भी गिवन डेटा को पहले मेंशन कर देना। इतनी सारी बातें याद रखोगे सब चैप्टर्स में, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। और लास्ट में जाते जाते एक बात बोलूंगा, सब लोग लिख देना कमेंट सेक्शन में, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, कम टू के बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे सब लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। लास्ट में एक बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।